हेलो फ्रेंड्स, गोल ब्लैडर हमारे शरीर में राइट साइड में होता है। ये राइट रिब केज के नीचे होता है, परंतु अगर किसी को गोल ब्लैडर में स्टोन है तो उसका पेन हमारे पेट में सेंटर में होता है और नाभि के ऊपर होता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। आज हम गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में बात करेंगे। इस पिक्चर में आप गोल ब्लैडर, बाइल डक्ट और पेनक्रियास को देख सकते हैं। बाइल डक्ट को हम पित्त की नली भी बोलते हैं। लिवर के अंदर पित्त बनता है और पित्त की नली के द्वारा ये हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता है, जहां पर ये खाने को डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो एंजाइम्स बनाती है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अब पहला प्रश्न है, गोल ब्लैडर में स्टोन कब और क्यों बनते हैं? गोल ब्लैडर स्टोन वुमेन में ज्यादा कॉमन है और ये 30 से 40 साल की उम्र में ज्यादा बनते हैं। और अगर डाइट में फैट इंटेक ज्यादा है तो गोल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। और यदि मरीज का वेट ज्यादा है तो भी गोल ब्लैडर में स्टोन बनने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा अगर रैपिड वेट लॉस, जैसे कि बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी गोल ब्लैडर में स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। और यदि किसी को हिमोलिटिक एनीमिया है तो उस केस में भी गोल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं। अगला प्रश्न है, गोल ब्लैडर में स्टोन के सिम्टम क्या हो सकते हैं? इस पिक्चर में आप गोल ब्लैडर में स्टोन देख सकते हैं। और अगर ये स्टोन जाकर गोल ब्लैडर की नली, जिसे हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, वहां जाके फंसता है तो ये नाभि के ऊपर दर्द कर सकता है और ये पेन राइट साइड में जा सकता है। इसे हम बिलेरी कोलिक या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। यदि पेन की ड्यूरेशन 6 घंटे से कम है तो ये बिलेरी कोलिक है, और अगर पेन की ड्यूरेशन 6 घंटे से ज्यादा है, इसका मतलब गोल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई है, इसको हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। और यदि स्टोन स्लिप होकर पित्त की नली में चला गया है तो इससे मरीज को बुखार, दर्द और पीलिया हो सकता है। और यदि ये पित्त की नली के नीचे वाले हिस्से यानी एम्पुला में जाकर अटक गया है तो इससे मरीज को एक्यूट पेंकेटाइटिस हो सकता है, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। एक्यूट पेंकेटाइटिस में मरीज को पेट के ऊपरी हिस्से में सीवियर पेन होता है, उल्टी आती है और ये पेन पीछे बैक में जा सकता है और साथ में किडनी पर असर आ सकता है, पेशाब कम हो सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। अगला प्रश्न है, हम गोल ब्लैडर स्टोन को डायग्नोस कैसे करते हैं? यदि मरीज को पेट में दर्द है और हमें गोल ब्लैडर स्टोन का डाउट है तो हम अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं। अल्ट्रासाउंड गोल ब्लैडर स्टोन के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। और यदि अल्ट्रासाउंड में स्टोन नहीं आता है और फिर भी हमें स्टोन का डाउट होता है, हम एक स्पेशल टेस्ट एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको कि हम दूरबीन के द्वारा करते हैं। यहाँ हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में गोल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन देख सकते हैं। और यदि मरीज को पीलिया है और हमें पित्त की नली में स्टोन की संभावना है तो हम अल्ट्रासाउंड, MRCP और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट करवा के देखते हैं। और यदि पित्त की नली में स्टोन निकलता है, हम उसको एंडोस्कोपी से निकालते हैं। और यदि एक्यूट पेंकेटाइटिस का डाउट है तो इस केस में हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हम सीरम अमाइलेज और लाइपेज करके देखते हैं। और यदि ये एलिवेटेड है, इसका मतलब मरीज को एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। अगला प्रश्न है, हम गोल ब्लैडर स्टोन को ट्रीट कैसे करते हैं? दोस्तों, अगर मरीज को गोल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स हैं तो हम पेशेंट को सर्जरी की एडवाइस करते हैं। गोल ब्लैडर सर्जरी में पूरा गोल ब्लैडर निकालते हैं। कुछ मरीज पूछते हैं, क्या सिर्फ स्टोन निकाल सकते हैं? तो आंसर है नो। यदि मरीज को गोल ब्लैडर की सर्जरी करवानी है तो हम पूरा गोल ब्लैडर ही निकालते हैं। और यदि स्टोन पित्त की नली में आ गया है तो हम उसको एक स्पेशल टेक्निक ERCP से निकालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम ERCP से पित्त की नली का स्टोन निकाल रहे हैं। इसके अलावा अगर मरीज को एक्यूट पेंकेटाइटिस है तो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, IV फ्लूइड लगाते हैं, दवाइयाँ लगाते हैं, और जब एक्यूट पेंकेटाइटिस सेटल हो जाता है तो उसके बाद हम गोल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही यूनिक कंडीशन है कि मरीज को गोल ब्लैडर में स्टोन है परंतु सिम्टम्स नहीं है, तो क्या ऐसे गोल ब्लैडर को निकालना चाहिए? तो ये एक डिबेटेबल कंडीशन है। इसमें हम केस टू केस डिसीजन लेते हैं। हम मरीज को या तो सर्जरी की सलाह देते हैं या फिर उसको हम क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और सिम्टम ऑनसेट होने के बाद उसको सर्जरी की सलाह देते हैं। एक स्पेशल कंडीशन है, अगर बहुत ही बड़ा स्टोन है, 2 या 3 सेंटीमीटर का स्टोन है, तो ये स्टोन आगे जाकर गोल ब्लैडर में कैंसर कर सकता है। और नॉर्थ इंडिया में गोल ब्लैडर कैंसर काफी कॉमन है। तो यदि स्टोन साइज 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो हम गोल ब्लैडर के सर्जरी की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, गोल ब्लैडर स्टोन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है,
परंतु इसकी कॉम्प्लिकेशन सीरियस हो सकती हैं। गोल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पित्त की नली के स्टोन को कैसे निकालते हैं। थैंक यू।